नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है उद्धव ठाकरे का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में बात करें तो उद्धव ठाकरे का जो इस समय सीन चल रहा है, जो इस समय उनका रोल चल रहा है, जो इसका स्थिति चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी इस समय आज जो है सामने में इंटरव्यू आया है। काफ़ी इमोशनल इंटरव्यू है और उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरी उद्धव ठाकरे अब आगे का जो उनका गेम प्लान है क्या है, और लोगों को किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो इंटरव्यू का जो सहारा लिया है, कितना कामयाब होंगे। हमारे साथ में अनिल सत्य जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनसे ही जानेंगे कि उद्धव ठाकरे की जो अभी की आगे की जो रणनीति है किस तरह की लग रही है। सर, आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे का आज काफ़ी जो मुलाकात आया है? उद्धव ठाकरे की इसके पहले भी जी कोई रणनीति राजनीति नहीं थी, जी अनीति ही थी जो भी थी। और दूसरा ऐसा है कि तीन पन्ने ये हैं और भी आने वाली जी मुलाकात, तो तीन पन्नों का सारांश एक सेंटेंस में दे सकते हैं कि मैं नालायक था, मैं बुद्धू था, मेरे लोगों ने जब उनकी बगावत की तब मैं बेसावत था और इसकी वजह से ये सब हुआ है, मगर मैं दोष उनके कंधे पे डाल रहा हूँ और मैं नालायक ही रहूँगा। यही उस पूरे तीन पेज का सारांश है। अपना नालायकपन का ही पुरावा देते रहे वो पूरा टाइम। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिन जिन मुद्दों के ऊपर मोदी और शाह को ये किया है जी, और यहाँ पे भी फडणवीस पवार और इनको ये किया है, वो सभी मुद्दों में से पूरे ये तीन पेज है ना, तीन पेज में एक सेंटेंस जी संजय मुझे निकाल के दिखाए कि जो नया है, जो इसके पहले उद्धव जी बोले नहीं है, ऐसा एक सेंटेंस तीन पेज में जी। तीन फुल पेज है सर, ये है पूरा पेज है, अंदर भी दो पेज है, ये देखो तीन पेज में एक सेंटेंस नहीं है सर ऐसा। ये खेकड़े की भी जो उपमा दी है ना उन्होंने कि मुख्यमंत्री को केकड़ा, हाँ कि वो नहीं धरण जो होता है अपना ये डैम उसको वो खेकड़े जो होते हैं वो ये मट्टी निकाल के ये करते हैं, फिर तुम्हारा मट्टी का धरण था ये भी तुम कबूल कर रहे हो। जो बड़े बड़े डैम बने हैं वो सीमेंट कॉन्क्रीट के बने हैं, उनको खेकड़े कुछ नहीं कर सके, तुम्हारा मट्टी का ही था इसके लिए वो ये कर सके। दूसरी बात सर ये है कि ये तुम राष्ट्रीय नेता बनने की पंतप्रधान बनने की बात कर रहे हो, संजय तुमको पंतप्रधान बनाने की बात सोच रहा है, राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं, और तुम ये खेकड़ा बिकड़ा उंदीर घुसी ये स्तर पे बात करते हो। तो इसके पहले भी तो उन्होंने मर्द खंजर ये मर्द वो जो बोलते हैं ना उसके पीछे एक राज है बहुत बड़ा जी। वो बार बार क्यों अपनी मर्दानगी के बारे में और दूसरों की नामर्दगी के बारे में बोलते हैं, उसके बारे में एक बहुत बड़ा राज है कि वो क्यों बोलते हैं। मैंने कई बार उनको मैसेज भेजा कि आप हर इसमें ये मर्द मर्द बोलते हैं वो शोभा नहीं देता है एक आपको, और इसकी वजह से लोग ये पूछने लगे कि आपको बार बार मर्द हूँ ऐसा बोलने की जरूरत क्या है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। जो बार बार कोई चीज़ बोलता है तो उसको लोग शक से देखते हैं कि इसकी इतनी बार इतने इसको क्यों बोलना पड़ रहा है, तो आप ऐसा मत बोलो करके उनको मैसेज दिया था। संजय को भी बताया कि भाई इसको एक बार बैन करो उद्धव को कि बोलो मत मर्द, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कल के भाषण में ये तीन शब्द रहेंगे हाँ। तो उसमें एक गद्दार होता है, खोखा होता है और मर्द होता है, तो मैंने कई बार बोला है। इसमें भी वो सर सब गलतियाँ जो 12 महीने करते हैं, ये मुलाकात पढ़ने के बाद शिवसेना उद्धव गठ में जो है जी उसमें से किसी को नहीं लगेगा कि इसके साथ रहने में भवितव्य है, ऐसा किसी को नहीं लगा। और जो खिलाफ है वो सोचेंगे भाई हम नसीबवान है कि हम टाइम पे इधर आ गए, तो ये तो हमको ले के डूबता था, मैं तो डूबूंगा सनम तुमको भी ले डूबूंगा, यही उसकी बात है। उन्होंने सर एक मुस्लिम लिखा है सर, इन्होंने बोला ईमानदार सुसंस्कृत नेत्याची ईमानदार मुलाकात। सर ईमानदार एक तो है नहीं, गद्दारी तो इन्होंने पहली की बीजेपी के साथ, दूसरी सुसंस्कृत नेता है तो डालड्याचा डब्बा ऐसा लिखा है ना सर, देखो ना डालड्याचा डब्बा
तू डालडा का डब्बा सर, एक तो डालडा और डब्बा ये चीज 20-25 साल पहले गायब हो गई जी। अभी डालडा देखते हैं आप कहीं? नहीं नहीं देखते कहीं। और डालडा का डब्बा जो है वो टमरेल करके यूज किया जाता था उस जमाने में, अगर आपको याद है तो। बिल्कुल, हमने भी। मैं 75 साल का था, हमने कम से कम 10-20 साल वो यूज किया था। तो तू इतना सुसंस्कृत नेता, तेरे को डालडा का डब्बा दिखता है जो अभी, मतलब ये सर आउटडेटेड है आदमी ही जी। ये अभी जो समय चल रहा है उसके साथ नहीं चल रहा है, इसलिए उसको 25 साल पहले का डालडा का डब्बा याद आ रही है, कितनी बुरी बात है। दूसरी बात ये है कि उसको खेकड़ा याद आया जो मट्टी का धरन फोड़ता है। तू मट्टी है क्या? तो तुम एक तरह से बोल रहे हो कि मैं मट्टी का हूँ, मट्टी का माधव ऐसा बोलते हैं ना कुछ, है आपकी हिंदी में, तो तू मट्टी का माधव है। और सर दूसरी बात यह है कि इसने क्या है ना, संजय राउत ने उसको ब्रीफ किया होगा और संजय राउत की तरह ब्रीफ किया होगा करके ये जो शब्द आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे। तो अभी देखो, पंतप्रधान है मोदी, अगर मोदी 100 फुट के है ना जी, तो ये 100 इंच का भी नहीं है ये आदमी, जो तुलना कर रहे हैं उससे, अपनी तुलना कर रहे हैं या उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का हिम्मत दिखा रहे हैं। और वो किन के बल पे हैं? पवार साहब के। अरे पवार साहब खुद जा रहे हैं अभी एनडीए में। कांग्रेस के 5 तो नेता निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, गाड़ी में बैठे हैं सामान लेके, गार्ड की सीटी और सिग्नल नहीं मिल रहा है उनको बीजेपी की तरफ से आओ करके। तो वो जाने वाले हैं, तो फिर इसके पास क्या रहने वाला है? उद्धव के पास क्या रहने वाला है? ना कांग्रेस रहेगी ना राष्ट्रवादी रहेगी, ये अकेला ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि कितना टाइम, अभी पॉलिटिकल मुलाकात है, उसमें वो इरशादगढ़ में जो दुर्घटना हुई उसके ऊपर ही आधा घंटा बोला है वो, उनको पॉलिटिकल बोलना चाहिए था। और जो बोला है वो सर, अभी वो बोलता है कि सडलेली पानं होती जी गळून गेली, फिर कल तक तुम्हारे साथ थे ना वो, कितने सालों तक, 25-30 साल तक तुम्हारे से ज़्यादा उनकी मेहनत है जी, कारकिर्दी है, तो उनको तुम इस तरह से बोलोगे? सर ये बकवास, बिल्कुल बकवास किया है उसने। और उसका ही पेपर है वो, तो कुछ भी छापेंगे वो छापेंगे। और संजय ही संपादक है, और संजय वहाँ पे ये ईमानदार नहीं है, मगर संजय ईमानदार है उससे करके अभी तक है। जिस दिन नहीं होगा वो मैं बताऊंगा कब नहीं होगा, और वो होने वाला है जल्दी। सर तो इसमें ऐसा है, उसने बोला कि शिवसेना पाठित खंजीर खुपसला, मतलब ये मान्य करता है, मैं राष्ट्रवादी ने काय खुपसलो होता ऐसा पूछता है। राष्ट्रवादी के लोग खुद चले गए, उनको लाया नहीं गया जी, उनको लाया नहीं गया। अजीत पवार पीछे पड़े थे कि हमको आना है, काफी दिन से उनका माहौल बनी रहा। हाँ नहीं, वो उनको जाना ही था। तो ये जो बोलते हैं कि राष्ट्रवादी फोड़ ली, उन्होंने नहीं फोड़ा है, वो खुद फोड़ के तोड़ के खुद आ गए हैं। तो ये भी सर इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, घोटाले बाजाना सरकार का घ्यावा लागलं, तो यही घोटालेबाज तुमको बोलते, वो तुम्हारी सरकार में थे तो उस समय उनको क्यों लिया, दे रहे थे तो पैसे, ढाई साल तुमने उनको साथ में रखा, अभी तुमको वो घोटालेबाज है इसका ये हो गया क्या, एहसास हो गया? सर इसमें और एक चीज उन्होंने लिखा है कि उनको नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना चाह रहे हैं कि अभी तक शिवसेना की ऐसी हालत नहीं हुई थी, इसलिए लोगों का जो है सर, लोग अभी इलेक्शन में जब इनको लात मारेंगे ना जी और घर भेज देंगे, तब इनको पता चलेगा, फिर बोलेंगे लोकांना वश केलं, लोकांना भीती दाखवली, लोकांमध्ये जातीय आणि धार्मिक भावना पेटवल्या, म्हणून आमचा पराभव झाला। पराभव का कारण मैं अगली मुलाखत बोल के रखता हूँ, पराभव हो जाएगा लोकसभा में और विधानसभा में, तो यही बोलेंगे कि पैसा संपत्ति सत्ता याचा दुरुपयोग करून हे सत्तेवर आले परत, आमची काही चूक नाही, वो बोलेंगे ही। मगर ये बहुत सर इतनी बकवास मुलाखत उद्धव ने कभी दी नहीं जी। असल में क्या होता है ना, इसमें पॉडकास्ट में उसको बोलना पड़ा करके वो रिकॉर्डिंग भी हुई है, नहीं तो संजय उसके नाम से लिख देता था और दूसरे दिन वो पढ़ता था और ये सब नहीं आता था फिर। हाँ अलग टाइप के अलग टाइप के, अभी ये उसको बोलना पड़ा है करके उसने बोला है, पर सर इतनी बकवास मुलाकात कभी आई नहीं, तो इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। टीवी वालों को कोई मुद्दा चाहिए दिन भर ये करने के लिए, चर्चा करने के लिए करके वो कर रहे हैं, इसे कुछ साथ क्या लगता है ये इतना बड़ा मुलाकात देने का कारण क्या रहा है आपको? कुछ नहीं, वो धीरे धीरे डूब रहे थे, उनके ऊपर फोकस नहीं हो रहा था, कोई उनके बारे में बोल भी नहीं रहता आजकल, एक भी लाइन नहीं कहीं न्यूज में, तो अपना एक लाने के लिए संजय ज्यादा चमकता है उनसे। हाँ तो वो भी पेट में दुखता रहा होगा इसका।
तो वो एक मुलाकात दे के भैया कम से कम 2 दिन तो मेरे ऊपर चर्चा करो, ऐसे भीख मांग रहे जी। सर ये है ना, आपके फेंक देने लायक मुलाकात है, ये है ना, ये मुलाकात का जी सही इलाज क्या है या सही इसका उत्तर क्या है, ये इस मुलाकात का सही उत्तर है। खत्म मामला, ये कचरे की टोपली में डाल ली। तो क्या ऐसे सब लोग करने वाले हैं जितने लोग पढ़ेंगे? सर करना चाहिए, नहीं तो मन ही मन में करेंगे, मेरा डेरिंग है करके मैंने फाड़ के सबके सामने फेंक दिया, बाकी लोग मन ही मन में फेंकेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे बोलेंगे तेज बोल रहा है नवीन कायस बोल रहे हैं, और ये गाली गलौज की ये स्तर पे जा रहा है अभी, इसका भविष्य नहीं है कुछ। चलो एकदम पूरा 3 पेज उसका कोई पढ़ने वाला नहीं, उसकी शिवसैनिक भी नहीं पढ़ेंगे। अरे सामना का खप जी सुहेल, मैं बताऊं तो बेईमानी होगी मेरे दोस्त से, सर एक जमाने में 1-1.5 लाख हुआ करता बिल्कुल था। सर अभी सामना 10,000 जाता है बस, 10,000 आज उन्होंने 50,000 निकाला है ये इंटरव्यू की वजह से, इंटरव्यू की वजह से कि वो जाएगा जरा, मगर सर अभी किसी भी स्टॉल पे जाकर तो वो थैले पैसे गट्ठे पड़े हैं सामना के, फ्री में बांट देना चाहिए लोगों में, बांटे सही। सर इतनी अकल नहीं ना, उनको लेना बैंक है, वो देना बैंक थोड़ी है कि भाई 50,000 को अभी फुकट में बांटो पसारो, बांटना चाहिए वो, बांटना चाहिए वो, नहीं बांटते तभी तो लोगों में आखिर पहुंचेगा कैसे, ट्रेन में बांटो, बस स्टॉप पे बांटो, बांट देना चाहिए। अरे DNA जैसा पेपर मैंने एयरपोर्ट पे फुकट में मिलता हुआ देखा है जी जी जी, कई सारे पेपर एयरपोर्ट पे फुकट मिलते हैं बिल्कुल, भाई एयरपोर्ट से जाने वाला आदमी हमारा पेपर लेके जाए, वो इनमें वो भी ये नहीं है। और अगर TV वालों ने ये दिखाया नहीं ना तो इनका पॉडकास्ट भी कितने व्यूज आते हैं देखो अभी, सर अपने इसको 1-1.5 लाख व्यू आते हैं, इनका अभी तक मैंने जब देखा तो 28,000 था बस व्यू, अभी थोड़ा बड़ा होगा, मगर सर ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये 2 लाख से आगे नहीं जाएगा। 14 कोटि की लोकसंख्या वाला महाराष्ट्र है, उसमें सिर्फ 2 लाख तुम्हारे। सर क्या लगता है आपको कि उद्धव ठाकरे के भविष्य में क्या करना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, क्या कमबैक वापस करना चाहिए? उसको तो बीजेपी के साथ तभी जाना चाहिए था जी, 19 में ही जाना चाहिए सर, एक गलती तो हुई 2019 में, अब आगे के क्या है? आगे और गलतियां, गलती गलती, आदमी एक बार गलती करता है तो आगे गलतियां ही करता जाता है, वो अभी सुधरने के परे हो गए, और बीजेपी वाले उनको खड़ा नहीं करेंगे, उनको क्या जरूरत है बीजेपी बोलेगा उनके पास है क्या, है क्या लोग नहीं है, नेता नहीं है कोई नामचीन है, वो ये बोलता है इनके पास ये भ्रष्टाचार आते हैं, अनिल परब क्या दूध का धुला हुआ है क्या जो तुम्हारे बाजू में बैठता है, वो क्या दूध का धुला है, रविंद्र वायकर क्या दूध का धुला हुआ है। सर ये मुलाकात के ऊपर ना मैं और एक मुलाकात बनाने की सोच रहा हूँ, और वो फेसबुक कर नहीं, वही सवाल जो संजय ने पूछे उसके सही जवाब, मतलब ये जवाब जो झूठे हैं उसके बदले सही जवाब जो होंगे जो वो देगा नहीं, उद्धव ठाकरे यानी न दिलेले खरी उत्तर है, ऐसा ही एक वीडियो करने वाला हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। तो आपने पेपर फाड़ दिया, इसके क्वेश्चन तो निकालना लगता चाहिए। सर मेरे पास दूसरा कॉपी ला के रखूंगा ना, दूसरा कॉपी लाऊंगा मैं जी, उसके लिए खास उसके बैंड बजाने के लिए लेके आऊंगा। सर क्या ये मार्केट में ढिगारे पड़े, उसको बोलेंगे तो फुकट में दे देंगे। चलो आगे, तो सर क्या मतलब भविष्य में क्या देखा जाए इनको उद्धव ठाकरे की तरफ से? उद्धव ठाकरे का भविष्य 2024 में खत्म हो जाए पूरा तरह से, उद्धव ठाकरे की लेवल प्रकाश अंबेडकर, रामदास आठवले, ये जो कुछ लोग है जी, बच्चू कोड़ू, उनके लेवल तक रहेगी, बच्चू कोड़ू की शायद थोड़ी ऊपर रहेगी इससे, मगर ये बाकी सब जो है नीचे। तो हम मान चले कि जिस तरह से पॉलिटिकल 6 पार्टियां है ना मेन, जो महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, बीजेपी, शिवसेना जो भी है, कांग्रेस, सबसे NCP, नीचे इनका नंबर रहेगा इनका नंबर रहेगा, क्योंकि वो मौका गंवा चुके हैं जी, और अजीत दादा गए, अभी शरद पवार भी जा रहे हैं। सर ये खाली सुप्रिया सुले को अहंकार जो उसका है वो ठंडा करने की बात है, वो हो जाएगा, मतलब लोकसभा तक वो भी हो जाएगा। सर लोकसभा क्यों, अगले 2-3 महीने में हो जाएगा, इतना लंबा नहीं खींचेंगे, ये उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, वो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, दो दो प्रतोद है, दो दो पार्टी है, एक नाम की 2 पार्टी है, कंट्रोवर्सी भी नहीं, कंट्रोवर्सी भी नहीं, ये शुरुआत में थोड़ा थोड़ा था, लेकिन बस सीखना चाहिए कि सभी टूटा जी, तो सर कोई किसी ने गद्दार नहीं बोला, नहीं किसी ने किसी गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, उल्टा 80 घंटे का शपथ विधि किया तो कम से कम जितेंद्र आवाड़ ने काली फांसी सी गालियां दी थी, अभी तो वो भी नहीं है,
और शरद पवार उधर जाएंगे तो क्या उधर जितेंद्र बाहर रह सकता है क्या? साथ में रहेंगे ना? साथ में रहेगा, वो बोलेगा अभी उनका निर्णय मेरे लिए मान्य है, वो भी जाएगा उधर और बोलेगा मेरे को कुछ नहीं, वो मुमरा का मेरा कलवा का सीट जो है वो सिक्योर करो, नजीबुल्ला को मत उत्तेजन दो, इतना ही बोलेगा वो। नहीं ये सब सब थोड़ा थोड़ा दिन अभी शरद पवार आ ही चुके हैं, मन से आ चुके हैं, शरीर से आना बाकी है, वो हो जाएगा एक महीना दो महीने में, वो धीरे धीरे ये करेंगे। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्स की तरह महागाड़ी जो महा ये बन रही है इनकी जी। इंडिया, उसमें छेद करने और भेद करने के लिए शरद पवार काम आएंगे, एक एक ऐसी छोड़ देंगे पूरी कि पूरा सत्यानाश हो जाएगा। और आज ही इन्होंने घोषित किया है तुम्हारे देवेगौड़ा ने कि हम ये आगाड़ी बिगाड़ी में नहीं जा रहे, मतलब कर्नाटक में हो गया इनका, एनडीए में सब धीरे धीरे आ जाएंगे, सब करेंगे जी सर। थैंक यू सर। तो इतनी भयानक बुरी निचले स्तर की मुलाकात हमने कभी देखी नहीं थी। संजय राउत ये नहीं लेते तो अच्छा था, मतलब एडिशन प्रकाशित ही नहीं होना चाहिए था आपको लगता है? नहीं नहीं, वो टीवी पे पॉडकास्ट में दिया है उन्होंने, वो पॉडकास्ट में क्या है, चॉइस है तुमको देखना है नहीं देखना है। ये क्या अपने घर में रोज पेपर आते हैं ना, उसमें आ जाता है तो देखना पड़ता है, और हमको तो देखना पड़ेगा ही ना, विरोधियों का समाचार लेना है तो हमको देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो हमारा चर्चा यही था उद्धव ठाकरे का, जो आज एडिशन सामने में आया हुआ है, काफ़ी लंबा जो है इंटरव्यू, 3 पेज का है जी। तो उस इंटरव्यू को जो सारांश जो है तथ्य जी ने बताया, सारांश बताया फाड़ के फेंक दिया कचरे में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्धव जी ने जो 2019 में जो अब से गलती कहे या उनकी बुद्धिमानी कहे, उसका रिजल्ट जो है जो सामने आया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, लोगों को ही पता है कि गद्दार कौन है, खंजर कौन बोका है, और राजनीति कौन कर रहा है, और काम कौन कर रहा है, ये भी लोग समझ रहे हैं। तो 2024 का जो चुनाव है मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी चुनाव होगा, और लोग जो है बीजेपी की आघाड़ी है वो कदूत पानी का पानी करने में कोई जबरदस्त चुन के आएगी जी। महाराष्ट्र में भी उनको 200 से ज़्यादा तीनों को मिलकर जगह मिलेगी, और दिल्ली में तो उनका 48 का एक कोटा है, उसमें से 42 तो मिलेगी। अभी वातावरण बदल ही हो गया। तो हमारा चर्चा अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ अलग अलग जो पॉलिटिक्स एनालिसिस को देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।